कि आरती का रिजल्ट क्या रहा, आरती का रिजल्ट क्या रहा। नमस्ते, आई सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम, इट्स सो बॉय विशाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अभी मेरे को सच्ची बहुत ही तेज भूख लग रही है, तो अंदर चलते हैं और कुछ खा के आते हैं। अभी जा रहा हूँ मैं शिमला मिर्च और टमाटर लेने के लिए। यहाँ पे पास के अंदर ही ना एक सब्जी की दुकान है, बट यहाँ थोड़ी सी महंगी मिलती है, बट ठीक है यार, यहीं से लाना पड़ेगा, नहीं तो सब्जी मंडी तो यहाँ से बहुत दूर है भाई, पैर दर्द हो जाएंगे मेरे जाते जाते। अंकल जी 10 के तो शिमला मिर्च और टमाटर दोनों दे दो 10 में। मेरी बहन ने मेरे को दिए थे 10 रुपए, बोला था 10 का ना सिर्फ शिमला मिर्च और टमाटर ही लाना। अंकल जी ने दिए सिर्फ 2 टमाटर और 1 शिमला मिर्च। अब भाई घर जाके पता चलेगा कि वो फिर से भेजने वाली मेरे को पक्का। अभी मैं जा रहा हूँ ना पास्ता लेने के लिए और पास्ता का मसाला लेने के लिए। गर्मी है ना सच्ची कम हो गई, बट यार बोलते ना उसे उमस बहुत ज्यादा हो रही है कि पसीने पसीने आए जा रहे हैं। लिटरली जो मेरी सबसे ज्यादा खुशी वाली बात है ना, देखो सामने कौन आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है। भाई इतने दिन से उसके बिना रहा नहीं गया, अब बस इतना ही दिखा सकता हूँ, ज्यादा नहीं दिखा सकता उस पास। तो गाइस अभी आया हूँ मैं छत के ऊपर, और एक मेरे को बहुत ही ना इम्पोर्टेंट बात करनी थी कि कल मेरे पास कमेंट भी आने लगे थे जैसे 10th का रिजल्ट आया कि आरती का रिजल्ट क्या रहा, आरती का रिजल्ट क्या रहा। तो मैंने सोचा मैं कल वाले ब्लॉग में नहीं बताऊंगा, घर जाके उसके सामने ही बताऊंगा मतलब रिजल्ट। तो आरती की जो परसेंटेज है ना वो सच्ची मतलब ठीक है यार, अच्छी बनी है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि परसेंटेज कभी भी किसी स्टूडेंट का जो है वो फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, ना उसकी एबिलिटी डिसाइड करता है, ना उसका टैलेंट डिसाइड करता है। तो उसकी भी मतलब देखो वो ऐसी थी ना कि आपको लगेगा वो एकदम हाई क्लास स्टूडेंट थी, एकदम ना वो एवरेज थी और ठीक थी, ऐसा था कि फेल भी हो सकती थी, बट वो पास हो गई, पास हो गई ये तो है, बट कितनी परसेंटेज बनी है वो खुद ही बताएगी। तो अभी चलते हैं नीचे एंड उससे बात करते हैं। एंड ना जब उसका रिजल्ट आया मैंने देखा ना परसेंटेज कम थी, बट मैं खुश हुआ कि चलो पास हो गई। और कभी भी यार ऐसा थोड़ा ना कि उसको मैं और दुखी कर देता, अभी बोलता कि तेरी इतनी कम परसेंटेज बनी है ये वो, तो उससे कोई मतलब नहीं होता भाई, सही बताऊँ तो। क्योंकि उसको खुद का आपको पता होगा, उसे स्केचेस बनाना इतना पसंद है, उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, उसको खाना बनाने में इंटरेस्ट है, इन सब चीज़ों में उसके पास है एक टैलेंट। तो उसका वो टैलेंट क्यों मैं वेस्ट कर दूँ ऐसी चीज़ें बोल के कि तूने तो कम परसेंटेज बनाई, अब क्या होगा तेरा आगे ये वो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार, जो भी अगर कोई बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है उसकी परसेंटेज कम बनी ना, तो भाई बहन या फिर दोस्त आप अपनी ना मतलब कॉन्फिडेंस लो मत करना भाई परसेंटेज की वजह से। मम्मी यहाँ पे अभी कपड़े सारे समेट लिए मम्मी ने, आरती का कल रिजल्ट आ गया, कितने खुश हो आप? हैं? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो? अच्छा, क्यों आपकी बेटी फेल जैसी लग रही थी ना? आंखों में आंसू, चेहरे में खुशी। क्या डायलॉग, आजकल तो यार आप शायर वायर बन गए हैं, कहाँ से मार देते इतनी शायरी आप? अच्छा एक्सपीरियंस तब भी है। अच्छा आपकी कितनी बहन थी 10th क्लास में? किसकी? मेरी? मैं 10th पढ़ी नहीं हूँ, 5 ही पढ़ी हूँ। लेकिन मेरा 5 ही है ना, तुम्हारा 10वीं के बराबर है। अच्छा, पुरानी पढ़ाई है, गवर्नमेंट स्कूल है। सही है। बाकी अभी खुश हो ना आप, मतलब दुखी थोड़े ना? नहीं, खुश हूँ। चलो और क्या चाहिए फिर? अभी आरती ना बर्तन धो रही थी इसलिए मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, बस जल्दी से बर्तन धो ले फिर उसको बाहर बुलाऊंगा, फिर उससे पूछूंगा कितनी परसेंटेज बनी है तेरी। फाइनली आरती ने सारे बर्तन धो लिए और इतनी खुश हो रही है भाई कि अब तो मैं ब्लॉग के अंदर बताने वाली हूँ कि मेरी कितनी परसेंटेज बनी है। तो उगली अपने मुँह से बाकी परसेंटेज उगली है, पास हो गई बस, पास हो गई बस, बस कुछ भी नहीं हुआ, बस पास हो गई। तो परसेंटेज इसकी बनी है, अरे बस पास हो गई। चलो आपको ना गैस, बस पास हुई और कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इसकी परसेंटेज पता है कितनी बनी है? बस पास हुई हूँ बोलना। ठीक है यार, पास हो गई है परसेंटेज, चलो इसको मन नहीं है बताने का, इसको तो परसेंटेज नहीं बताएंगे है ना, तो बस समझ जाओ बन। अच्छा पास हो गई यार, और क्या चाहिए परसेंटेज? तो बस है कि थोड़े दिन में इसकी मार्कशीट आएगी, वो लॉकर के अंदर रख देंगे, बस खत्म, उसके बाद कुछ काम नहीं होगा उसका। अभी जो है मैं जा रहा हूँ एक नंबर मेरे को दीपांशु मिलेगा, फिर उसके साथ जाऊंगा मैं रेलवे स्टेशन, बिकॉज रेलवे स्टेशन से हमको रिलेशन में है कोई, तो उनको लेके आना है, फिर उनको गाँव छोड़ के आना है दीपांशु। पैदल पैदल भाई, इतने तेज पैर दर्द होने लग गया ना सच्ची, और अभी तो मेरे को और चलना है। फाइनली पहुंच गए हैं, और वो देखो भाई चाय पी रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, टकलू को देखो, टकलू को चाय पिला रहा है ना।
हाँ चाय पिला लो भाई, एकदम बिल्कुल ब्रांड है। ये देखो मेरे लिए, पता है बहुत देर से बनवा के रखा था ना मेरे लिए, बनवा के रखा था, ठंडी हो गई लेकिन यार मैं आते की बोले क्या बोलता है, तेरे लिए इतनी देर से चाय बनवा रखी थी और अब ठंडी हो गई, वापस गर्म करवा रहा हूँ। फिर आया नहीं, मैं कहाँ रह गया। गाइस अभी ना पता नहीं क्या हुआ, क्या हुआ बता दे यार। अरे बता दे शर्मा क्यों रहे। अभी हम वापस घर पे जा रहे हैं बिकॉज दीदी का कॉल ही नहीं आया, जब कॉल आएगा उसके बाद ही जाएंगे। जयपुर नहीं पहुंचे अभी तक, अभी जयपुर नहीं पहुंचे, फिर तो लेट जाएंगे। एक किलो गुलाब, क्या खुशी है आज तेरी, खुशी का राज क्या है तेरी, तेरी खुशी का राज समझते हो नहीं समझते। अभी तो देखो इतने गुलाब जामुन हो गए और गाइस अभी मैं घर पे आ गया हूँ एंड जो खुशी है ना वो आपके भीम के ब्लॉग में देखने को मिलेगी, बट अभी नहीं, शायद उसने ब्लॉग डाला नहीं है, कल परसों के अंदर डालेगा, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके जरूर चेक करना। और सच्ची में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ भाई, बाहर जाके हम ना पसीने पसीना हो गया। और ना आरती का जो रिजल्ट है मैंने नहीं बताया बिकॉज यार उसको ठीक नहीं लग रहा, उसने बोला परसेंटेज मत बता भैया प्लीज़, है ना मैं पास हो गई खुश हूँ मैं, तो मैं भी बोलता हूँ वो पास हो गए ना तो खुश है हम सब, तो बस यही चाहिए हमको भाई, पास हो गई खुश है। अब देखते हैं इलेवेंथ में वो जहाँ तक है आर्ट्स ही लेगी बिकॉज उसको ड्राइंग वगैरह पसंद है ना, तो उसकी जो इंटरेस्ट है जिस चीज़ में उसको वही दिलाएंगे। और आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट के अंदर भी गलती मुझे ज़रूर बताना और एक प्यार से कमेंट ज़रूर ड्रॉप करते जाना। डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम लिंक है, जाओ फॉलो कर लो। सो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय। पैदल पैदल भाई, इतने तेज पड़ पैर पैदल लग रहा। तो गाइस अभी हम आना, तो गाइस हम आना